क्या न्यू राइटर्स को SWA स्क्रिप्ट लैब 2023 कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि आपको इसमें एज अ राइटर, अगर आप न्यू राइटर है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें इसमें बताने वाला हूं, जो एक एज अ राइटर आपको सुन करके बहुत शॉकिंग लगेगा। तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। SWA स्क्रिप्ट लैब कंपटीशन के बारे में अभी बताया, 2023 में भी ये कंपटीशन होने वाली है। तो इसमें राइटर्स जो है वो सीरीज के लिए अपने स्क्रिप्ट को SWA में सबमिट कर सकते हैं और ये कॉम्पिटिशन जो है ये इसकी सबमिशन की लास्ट डेट जो है ये है 1 मार्च 2023। अब देखिए, सबमिशन के पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें क्लियर कर दूं। बहुत सारे राइटर्स ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें जो विनर्स होंगे उनको कैश प्राइजेस मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही है कि इसमें जो भी राइटर्स विनर्स होंगे उनको कोई भी कैश प्राइजेस नहीं मिलने वाला है। क्रैश छोड़ दीजिए, मैंने क्रैश बोल दिया गलती से। कोई भी कैश प्राइजेस नहीं मिलने वाला है, आपको सिर्फ क्रैश प्राइज ही मिलेगा। कैश प्राइजेस नहीं मिलने वाला है, वो बस आपको जस्ट इस तरह से थंब दिखा देंगे, हो गया। आपको कोई भी प्राइज उसमें नहीं मिलेगा। आपको वहां पर मिलेगा क्या? बस सीखने का मौका। जो प्रोफेशनल मेंटर्स होंगे वो आपको ट्रेनिंग देंगे, वो आपके स्क्रिप्ट में जो कमियां रहेगी, वो आपके स्क्रिप्ट में जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो सब बताएंगे। ये भी नहीं कि वो आपके स्क्रिप्ट को प्रोड्यूसर्स तक ले जाएंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि राइटर्स के दिमाग में अभी भी चल रहा है कि हो सकता है हमारे स्क्रिप्ट को वो प्रोड्यूसर्स तक ले जाए, हमारी स्क्रिप्ट सेल करा दे, हमारी स्क्रिप्ट पर मूवी बन जाए या वेब सीरीज बन जाए। नहीं होगा वैसा। बस वो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें जो भी विनर्स होते हैं, सबसे पहले तो जो 10 पेजेस आप अपने स्क्रीन प्ले के सबमिट करेंगे उसमें से फिर एक और राउंड होगी, उसमें और भी राइटर्स जो आएंगे फिर वो अपने पूरी स्क्रीन प्ले सबमिट करेंगे, उसमें से कुछ को सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उनको प्रोफेशनल मेंटर्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। यही है बस कंपटीशन में। आपको कोई भी कैश प्राइज नहीं मिलने वाला है। अगर मेडल्स वगैरह मिला तो वो अलग बात है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, अभी तो फिलहाल उसके वेबसाइट पर भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन SWA ने ये क्लियर लिखा अपने वेबसाइट पर कि देयर इज नो कैश प्राइज, और ये भी मेंशन किया हुआ है कि आप अपने SWA जो है वो आपकी स्क्रिप्ट को प्रोड्यूसर्स तक नहीं ले जाएंगे, ना ही वो उस पर मूवी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ये बात क्लियर समझ ले। एंड वन थिंग मोर कि जब SWA की कॉम्पिटिशन, ये जो स्क्रिप्ट लाइक कॉम्पिटिशन होगी, तो इसमें जो स्क्रिप्ट सेलेक्ट होंगी यानी फाइनली जो स्क्रिप्ट विनर्स होंगी, तो उन स्क्रिप्ट पर जब भी मूवीज बनती, आप अपने मेहनत से ही जाइए, आप अपने मेहनत से ही जाइए, लेकिन जब भी उस पर मूवीज बनेंगी तो SWA जो है वो उसमें अपना क्रेडिट लेगा कि हाँ ये मेंटर्ड है, यानी ये मेंटर्ड एट SWA, यानी SWA में इस स्क्रिप्ट को मेंटर किया गया है, उसमें गाइडलाइंस दिया गया है, तो SWA अपना क्रेडिट लेगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि भले जो वीडियोस देख रहे हैं, अगर SWA के कोई जो वहां के मेंबर्स होते हैं वो देख रहे हैं, यानी जो पार्टिसिपेंट मेंबर्स नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ के जो मैनेजिंग मेंबर्स है अगर वो देख रहे हैं, तो देखिए आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये कहते हो बहुत दुख हो रहा है कि नहीं, इसमें SWA का अपना ही फायदा है, इसमें राइटर्स का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए SWA जो है वो अपना जो मेंटर्ड का क्रेडिट है वो ले लेगा, ना ही वो प्रोड्यूसर्स तक स्क्रिप्ट को पहुंचाएगा, ना ही उस पर मूवी बनेगी, और ना ही जो हमारे राइटर्स हैं उनको कोई भी कैश प्राइजेस मिलेगा या फिर उन्हें किसी भी तरह का कोई प्राइज मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो रहा। तो देखिए, ये मुझे अपने हिसाब से सही नहीं लगा कि इस तरह से हो रहा है। कुछ भी होना चाहिए, जैसे अगर राइटर्स कोई विनर्स है तो उस पर चाहे तो प्रोड्यूसर्स को मिलाना चाहिए था कि प्रोड्यूसर्स उस पर नज़र डाले और उस जो स्क्रिप्ट है उन स्क्रिप्ट पर मूवीज़ बने, ऐसा होना चाहिए था। या फिर एटलीस्ट ऐसा भी होता कि जो राइटर्स है उन्हें कुछ कैश प्राइजेस मिलते और उन कैश प्राइजेस से उन राइटर्स को कुछ तो एनकरेजमेंट मिलती, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप न्यू राइटर है तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बेसिस पर रियलिटी बताया है। तो आप अपने सोच विचार करके आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मुझे 1000 रुपीज़ एंट्री चार्ज लगेगा और मुझे प्राइजेस वगैरह नहीं मिलेंगे, मुझे मेंटर्ड किया जाएगा। वो मेंटर्ड तो आप खुद भी कर सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सीख लेंगे ना तो भी आप कर सकते हैं।
आपको एक स्क्रिप्ट में मेंटर्ड होकर के क्या फायदा, आप प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट राइटिंग अगर सीख लेंगे ना तो किसी भी स्क्रिप्ट में आप प्रोफेशनलिटी हासिल कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई आकर के मेंटर्ड करे। ओके, तो आप अगर एज अ प्रोफेशनल राइटर आप करना चाहते हैं तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग सीखिए, आप यूट्यूब से सीखिए या कोर्सेज वगैरह करके सीखिए, आप कर सकते हैं। लेकिन आप सीखने के तौर से अगर जाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको लॉस ही है इसमें। तो स्क्रिप्ट लैब जो कॉम्पिटिशन है उसमें जो भी ये पॉइंट्स बताए गए तो उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, क्योंकि मैंने आपको इतनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी। देखिए शेयर पूरे अच्छे से कर दीजिए क्योंकि नए राइटर्स तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।